अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ सेंटर जेल। आप सोचेंगे सेंटर जेल में मैं क्या करने गया हूँ। मैं दिखाऊंगा सेंटर जेल यहाँ किसी वक्त में हुआ करती थी। वो ख़तरनाक मुलज़िम यहाँ रखते थे जिसको सेंटर जेल को कहते थे, यहाँ काला पानी की सज़ा देते थे। आज वो वीडियो जो शेयर करूँगा और जेल कैसी हुआ करती थी, लोगों से बात करेंगे यहाँ के जो रहने वाले सेंटर जेल के। यहाँ से अब जेल तो ख़त्म हो गई है, चलें लोगों से बात करते हैं कैसी जेल थी, कौन से मुलज़मान थे और किन को ये काला पानी की सज़ा होती थी, आसपास क्या था, मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, ये वो चौक है जो ट्वेंटी पुल चौक है और सेंटर जेल चौक है इसको बोलते हैं। इसके आसपास पहले जेल हुआ करती थी। कहते हैं कि इधर दरवाज़ा हुआ करता था सेंटर जेल का। किधर दरवाज़ा हुआ करता था? आगे जाने। अच्छा, ये जेल का दरवाज़ा यानी कि इस तरफ ही था। वो बकायदा निशान है अभी तक। अच्छा, निशान बना हुआ है अभी तक, बाकी ख़त्म कर दी। अच्छा, ये वो इलाका है पूरा मोहल्ला जो सेंटर जेल का। छोटी छोटी गलियाँ हैं, चेक करें इसमें मकान बने हुए हैं। ये देखें आगे, ये पूरा इलाका। अब तो जेल ख़त्म होगी, अब तो पूरा इलाका जो है वो आबाद हो गया। चेक करें, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जिधर जेल के कमरे मौजूद होते थे, ये इनसे बात करते हैं। ये थे कमरे? ये थे कमरे साइड में, ये मैदान था बीच में। अच्छा, कबड्डी हुआ करती थी बीच में। अच्छा, तो टाइम पास करने के लिए आवाम से जो करा ये कराते थे। ये कमरे हुआ करते थे और यहाँ जो पुराने कैदी थे उनको रखा जाता था। अब तो ये ख़त्म हो गई है, ये दूसरे रहायशी मकान है। अब रहायशी मकान, ठीक है। ये कितने कितने मरले के हैं वैसे, आप बता रहे? मरला किसी को दो मरले, किसी को डेढ़ मरला, जिसको जितनी जगह आगे बढ़ाई उतनी बनेगी अपनी। सही, ये सारे जी देखें, ये सारे जेल के कमरे हुआ करते थे जहाँ किसी वक्त जो कैदी थे वो रखे जाते थे। लेकिन अब चूँकि जेल को ख़त्म कर दिया गया और वो पाकिस्तान बनने के बाद ये जेल ख़त्म हुई और यहाँ लोगों की अब रहायश है। अब वो गेट वगैरह जो जेल का वो ख़त्म कर दिया जी। ये दरख्त, ये पीपल का दरख्त है ये? हाँ जी। ये इस जेल का खसूसियत ये है, इस जेल के चारों कोने पर पीपल का दरख्त है। अच्छा, इस कोने पर मशरक में, मगरब में और शुमाल जनूब, ये दरख्त भी उसी, ये जब का ही है जब का जेल है, उसी उसी का है ये। जब से हम देख रहे हैं, हमारे बड़े ने बताया ये उसी टाइम का, 70 साल तो हमें बड़े आबादी, ये उसी आबादी का ही जेल का ही ये हिस्सा है। कितने खतरनाक मुलजम यहाँ रखे करते थे? हमें तो यही पता था कि यहाँ पर मुजरिम है और इसके अंदर जेल के अंदर मुजरिम, और उनकी जो उनके थे अपना मुजरिम, उनके जो जुर्म थे वो उनके बारे में नहीं हमें पता। लेकिन हमें ये पता है, हमने भी छोटे छोटे होते थे तो हमने देखा था वो मुजरिम यहाँ पर रहे, इस पजीर थे इसी जेल में, हमने खुद देखा उनको। हम जब छोटे होते थे वो मोची का काम करते थे, तो वो इसी जेल के कैदी से बताया जाता, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि ये इसी जेल के कैदी। गलियाँ देखी, कितनी छोटी छोटी गलियाँ थी। यहाँ कुआं हुआ करता था। इस्माइल साहब, इस्माइल भाई बताइएगा, यहाँ जो कुआं हुआ करता था? इधर कुआं था, ये ज़मीन है, ये इधर कुआं था काफ़ी डूंगा। अच्छा, उसको फिर हमने ना बंद कर दिया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, या फिर हमारे मोहल्ले। कब बंद किया था? तकरीबन 1990 की बात है, तो 1991-92 की बात है जी। अच्छा, हमें याद है, होश है, हमने इसको फिर बंद कर दिया था। वो कुआं पानी के लिए कैदी वगैरह पीते थे या कैदी, कैदी जो इस जेल के कैदी थे वो भी पीते थे। उसके अलावा इस जहाँ पर हम यहाँ खड़े हैं इधर, ये उनकी क्यारियाँ वगैरह होती थी, खेत वगैरह होते थे, वो फिर उनसे मेहनत मुशक्कत कराते थे कैदियों से, और कैदी यहाँ पर वो है अपना काश्तकारी करते थे, तो उससे फिर जो भी कोई अपना सब्जियां वगैरह ये वो यहाँ पर उगाई जाती थी, उसको फिर हमने 1990-91 में हमने इसको कुएं को बंद कर दिया ताकि कोई बच्चे छोटे या कोई ना जानवर वगैरह ना गिर जाएं। इसलिए फिर जब ना गवर्नमेंट की तरफ से, वासा की तरफ से हमें पानी यहाँ पर मुहैया हुआ, हमने इसको कुएं को बंद कर दिया। ठीक, चलें जी आगे चलते हैं, साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, इधर सेंटर जेल पहुँचे हैं। यहाँ हमारे साथ सीनियर सिटीज़न मौजूद है जिनको इस जेल के बारे में पूछेंगे, कैसी जेल हुआ करती थी, कौन से जो मुलज़मान यहाँ रखते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, ये जेल के बारे में बताइएगा, यहाँ सेंटर जेल नाम क्यों रखा हुआ है इस चौक का? ये जी जेल हुआ करती थी अंग्रेज़ दौर में जो। अच्छा, कैदी थे जब हमारे बाबाजदाद हिंदुस्तान से यहाँ आए। अच्छा, तो उस टाइम उन्हें हमें जगह नहीं मिली रहने को, तो उन्होंने आधी में बाड़ लगा दी थी, आधी हमें दे दी थी रहने के लिए,
तो बाद में वो जो जेल उनकी मुंतकिल हो गई यहाँ से, कैदी चले गए। दो कैदी हमारे मौजूदगी में यहाँ रहे, ज्यादा दौर तक रहे बेचारे। बाद में इनकी जब फौत की होगी तो उनकी फैमिली उन्हें कश्मीर ले गए, कश्मीर के थे। किस जुर्म के जो मुल्जमान होते थे यहाँ ऐसे जो मुजरिम जिनको ताहिया सजा दी जाए? अच्छा, उनकी फैमिली भी उनके साथ रहती थी अक्सर, इधर ही रहती थी। फिर वो मील बना, वहाँ से उन लोगों से काम लिया, भट्टे का काम भी लिया, ईंटें बनवाई, फिर मील में भी काम कराते थे दिन में, शाम को घर आते थे वो बेचारे। वो उनकी ना ख़त्म होने वाली सजा थी। तो बाद में हमारे जो बड़े वो यहाँ रहने लगे, सारी उम्र फिर यही गुजरी, हमें क्लेम दिया नहीं, हमने भी सब्र कर लिया, अल्लाह की मर्जी। अच्छा, आप इंडिया से आए थे, उर्दू स्पीकिंग? सही है। कौन से, मालवाड़ी या कौन से? हमारी जुबान है जी ज़िला भवानी। अच्छा, भवानी। हाँ, भवानी शहर का नाम है। वैसे हम हसार के लोग हैं, ज़िला हसार के, वो बड़े सिंह वाले मशहूर हैं लोग, जो पंजाबी लोग समझते हैं हसारी बोल जिसे कहते हैं। अच्छा, वो हमारा ज़िला होता था, अब भवानी जो ज़िला बन गया। सही। और आसपास जेल के आसपास खाली हुआ करता था यहाँ पहले इलाका बाहर था कोई? खेता बाड़ी हुआ करती थी, दूर दूर रेत हुआ करते थे, चारों तरफ रेतला इलाका था। एक जेल और थी यहाँ पर जिसमें सजा देते थे, उसको एक नंबर जेल कहते हैं, पार्क की परली तरफ हमारे, उसको कहते हैं एक नंबर जेल, ये दो नंबर जेल। अच्छा, यानी कि दो जेलें हुआ करती थी, एक नंबर और दो नंबर। एक नंबर डेवलप हो गई है, दो नंबर ऐसी कच्ची रह गई। वहाँ के लोग खुशहाल हैं, हम लोग ऐसे कोई हिंदुस्तान से जैसे आए थे रोल उखल के, आज भी तांगी छांग है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मालिक का, इस तरह से रह रहे हैं। और भी सिटीज़न मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस जेल के वाले से। आप बताइएगा, आप जेल का बता रहे थे और कश्मीरी जो कैदी थे उसके हवाले से बता रहे थे। हाँ, ये इंडिया के दौर में ये कैदी थे, पहले हमारे बड़े बताते थे। तो मेरी पैदाइश फैसलाबाद की है। अच्छा, तो मेरी उम्र तकरीबन 64 साल की है, 64 साल की। तो मैंने भी यहीं पैदा हुआ, इस इलाके में हमने रहे, हमारे वालदैन को जगह मिली डेरा गाजी का में, गदाई के अंदर, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होने की वजह से हम लोग इधर इज्जत करके आ गए। सुना था बड़ों से कि यहाँ काला पानी की सजा दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जो इंडिया के जो कैदी होते थे ना, यहाँ सिख वगैरह भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, यहाँ हर किस्म की कौम थी, जो जिनको सजा देते थे वो पाकिस्तान यहाँ भेज देते थे। अच्छा, तो वो लोग यहाँ रहते थे, जिस वक्त वो गए हैं इधर से, उस पाकिस्तान की पार्टीशन हुए वो लोग चले गए हैं, वो यहाँ पे तकरीबन चार भाई यहाँ पे रह गए थे। अच्छा, वो आज़ाद कश्मीर के थे, वो इधर ही फौत हुए बाद में। यानी कि वो जेल के कैदी थे या वैसे? वो जेल के कैदी थे, बाद में वो इधर ही मिल में काम करते थे, मिल में जाके वो जेल के अंदर कैद हो जाते थे, उसके बाद उन्होंने मोची का काम किया, मोची का काम करते रहे वो इधर, आज़ादी हो गई थी उनको, वो बाद में पकड़ अकड़ ख़त्म हो गई थी उन लोगों की, तो बाद में अपनी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सही। ये कितनी बड़ी जेल हुआ करती थी? नवल्टी पुल से वाटरा की गिरिट तक है। अच्छा, उधर पास को गोदाम से लेके नवल्टी पुल का, जहाँ पुल का बीच है ना, उधर है। जी, और भी इस्माइल भाई मौजूद है। इस्माइल भाई, आप बताइएगा, जेल के हवाले से बताइएगा ये नाम जो रखा हुआ है इधर। देखें, ये पुरानी सेंटर जेल नंबर 2 डिचकोट और फैसलाबाद, इसका पुराना नाम है। हमारे बुजुर्ग जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ तो वो यहाँ पर आके उन्होंने हिजरत करके यहीं पर ही रिहाइश पजीर किया उन्होंने सब ने, हमारे वालदैन, हमारे अपना वाला साहब, वालदा, हमारे नाना नानी, ताया हमारे, 1951 में। अच्छा, तो यहाँ पर इस महल्ले में आबाद हो गए थे। तो उस टाइम फैसलाबाद की, लालपुर की ये सबसे बड़ी मिल थी, लालपुर काटर मिल, LCM लालपुर काटर मिल, इसमें हमारे वालदैन ने काम किया, हमारे बड़ों ने काम किया, वो काम करके आते थे, तो इसी जेल में उन्होंने फिर यहाँ रिहाइश पजीर की, क्योंकि कैदी वहाँ पर आज़ाद हो गए थे, कैदी आज़ाद हो गए थे जब पार्टीशन हुई, तो वो फिर ये है कि यहाँ के लोग यहाँ पर ही रिहाइश पजीर होने लगे। यानी कि वो जेल वाली जगह आप लोगों को लाड़ करती हमने बस वो रख, हम रहते रहे और एक टाइम आया फिर 1989 में, 89 में, तो उस टाइम के वजीर आज़म थे मोहम्मद खान जुनेदर साहब, उन्होंने फिर हमारे महल्ले वालों को ना जी अलाटमेंट की और सरकारी तौर पर उन्होंने हमें रेगुलराइज़ किया और उन्होंने कहा जी आप यहाँ पर रहें, ये आपका हिस्सा है। अब हमारे महल्ले में, हमारे हिस्से में कोई डेढ़ मरला जगह आई तो उसमें हम अभी तक रहायश पजीर हैं। उसके बाद फिर जब इसको डेवलपमेंट करना था तो यहाँ पर फिर लोग ज़ाहिर बात सियासी बेस की बना पर एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग वाले पीपल्स पार्टी की, और ये ब्लॉक बना था
16 ब्लॉक डेवलपमेंट हो गया, 17 ब्लॉक हमारा था, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ सिर्फ लोगों के आपस की चपलस की वजह से। आप भी उर्दू स्पीकिंग है? जी, हम भी उर्दू स्पीकिंग। कौन से वाले? क्योंकि हमारे वालदैन ना 19 ये दादरी इलाका है और ये इंडिया के अंदर एक दादरी इलाका था, तो गांव वहां से हिजरत करके आए थे 1951 में। हमारे वालद बताते, हमारे नाना बताते हैं। तो ये है कि और इसका हम जाहिर बात अब शुरू से हम तो एडजस्ट कर गए हैं, जाहिर बात है अब हर लिहाज से हम एडजस्ट हैं, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है। बाकी और इलाकों की नस्बत ठीक है। हम फांसी घाट इधर हुआ करता था, आप बता रहे थे। बिल्कुल, ये हमारे मोहल्ले के साथ ही दूसरी एक नंबर जेल है, उसके अंदर एक फांसी घाट होता था और वो अब जाहिर बात डेवलपमेंट हो गया, और डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ पर लोगों को FDA की डेवलपमेंट आबादी है सी ब्लॉक, और ये 3-3 मरले का इनको अलाटमेंट कर दिया है, और वहाँ पर भी लोग अपनी रिहाइश पजीर कर रहे हैं, बैठे हैं और अपनी वो अपनी ज़िंदगी गुजर अवकात बड़ी आसानी से कर रहे हैं। चलें जी, इस्माइल भाई से बात की, और भी सिटीज़न मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इसी वाले से, जेल के वाले से। और यहाँ क्योंकि ये बहुत पुरानी जेल हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने से उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाई थी कोई काला पानी की सज़ा देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जेल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जेल के बारे में ये कि ये इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले 120 साल पहले ये जेल हुआ करती थी। दो जेलें, एक सेंट्रल नंबर जेल, एक बड़ी जेल थी और छोटी जेल उसके सामने है। यहाँ कैदी रिहा करते थे अंग्रेज़ दौर के, और इस आबादी के अंदर शहर का नाम था लाइलपुर, एक गोरा था लाइल, उसने ये जेल बनाई थी। तो उसके दौर में यहाँ कैदी रिहा करते थे, उस कैदी रहने के बाद 1947 के अंदर ये पाकिस्तान जब बना है, तो लोग इंडिया से यहाँ पे पाकिस्तान आए, तो ये इसमें कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग गिनती के 2-4 घर जो कैदी थे पुराने। उसके बाद यहाँ आबादी खाली हो गई, जेल खाली हो गई, तो लोगों ने आके अपने रिहाइश पजीर हो गए यहाँ पे। किसी के पास जगह एक मल है, किसी के पास दो मल है, किसी के पास चार मल है। तो ये जब से बैठे हैं पुराने लोग हैं, उर्दू स्पीक भी हैं इसमें, पंजाबी भी हैं, और यहाँ तक कि इस आबादी के अंदर तकरीबन सब लोग हैं, लेकिन सब उर्दू बोलते हैं इस आबादी के अंदर। इंडिया से आए और पुराने रहने वाले हैं, और ये अंग्रेज़ दौर की एक फांसी घाट हुआ करता था इस आबादी के अंदर। अच्छा, जिसमें फांसी दिया करते थे किसी वक्त में अंग्रेज़ दौर में, फिर वो ख़त्म हो गई इस आबादी में, छोटी सी आबादी थी। तकरीबन आज इस आबादी की रिहाइश तकरीबन 10-12 हज़ार के मुहित पर है, लेकिन रकबा बहुत छोटा है, एक मुरबे के करीब। अच्छा, आप भी उधर इंडिया से आए? हाँ, हम भी इंडिया से आए, इंडिया दिल्ली शहर से आए, वहाँ से तो हमारी ज़बान भी उर्दू है, हमारे लोग भी यहाँ पे तकरीबन सब उर्दू बोलते हैं, जो लोग मुख्तलिफ कौमों के हैं, मुख्तलिफ राय बिरादरी हैं, वो भी उर्दू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ भीतरी है वगैरह कहते हैं, वो कौन सी ज़बान है? वो थोड़ा सा एक बता दें। वो एक फितरती अमल है, इंसानी फितरत, इंसानी फितरत है। भीतर लफ्ज है हिंदी ज़बान का। अच्छा, वो रांगड़ी ज़बान में कहते हैं, वो अंदर से लई हम कहते हैं अंदर, वो कहते हैं भीतर से उठा ला, तो वो लफ्ज है, ये उर्दू का नहीं है लफ्ज, ये हिंदी का लफ्ज है। लोग कहते हैं ना अक्सर कि यार ये भीतरी है, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग वालों को ज्यादातर कहते हैं, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बता दें, रांगड़ी का लफ्ज है। अच्छा, हिंदी का, हिंदी रांगड़ी एक ही चीज़ है। तो वो कहते हैं भीतर से उठा लें भाई रे, तो ये उनकी जबान है। अब हम लोग कहते हैं अंदर से उठा लें, पंजाबी में कहते हैं अंदर चुक लें, तो वो अपनी जबान में कहते हैं भीतर। यानी ये वो छोटे छोटे जो कमरे थे बनाए वो जेल के, वो वाले अभी तक? हाँ, वो छोटी छोटी जगह, एक एक मरले के अंदर दो दो फैमिली हैं, चार चार फैमिली रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और गरीब लोग हैं, इंतहाई मजदूर लोग हैं, मेहनती लोग हैं।